सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज जो है फाइनली वो दिन है 30 सितंबर, और कैब भी पीछे आ चुका है। और आज जो है हम लोग निकल रहे हैं पटना टू दिल्ली, और यहाँ से जो हमारा जो ट्रिप स्टार्ट होता है आज। और ये कैब की बुकिंग चल रही है, सो देखते हैं। अभी दशहरा के लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है हर जगह पर रश चल रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे अभी। और हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से 9:05 में खुलेगी और 8:50 में वो वहाँ पे आ जाएगी ट्रेन। सो चलिए निकलते हैं हम लोग अब जल्दी से, कैब बुकिंग हो रही है। सो मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, फाइनली जो है एक ओला ऑटो मिल गया था हम लोगों को वहाँ पे। और इससे पहले जो है दो ऑटो वाले ने जो है कैब उन्होंने कैंसिल कर दिया, पता नहीं क्यों। तो लकीली एक ऑटो मिल गया। और अभी हम लोग कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, बेली रोड, न्यू बिहार म्यूजियम जो है पटना में, बेली रोड वो क्रॉस कर रहे हैं। और अभी बस पहुंचने वाले हैं। ट्रेन की स्टेटस भी ऑन टाइम है, अभी मोकामा पहुंचने वाली है ट्रेन, और पटना में जो है वो 8:50 में है। और भी जो लोग, दो लोग आने वाले हैं, आरफिन और इब्राहिम, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आरफिन से तो आप लोग मिल चुके हैं, बट इब्राहिम से करवाएंगे। और मिलते हैं फिर पटना जंक्शन पे आप लोगों से गाइस। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन, और हमारी ट्रेन जो है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इसको तो पहचानते ही होंगे। ट्रेन इतना लेट है कि देखिए कैफ को जो है इस हालत में बैठना पड़ गया। देखिए देखिए, इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करेगा ये। ट्रॉली लेके नहीं चल पा रहा था, एडवेंचर करने जा रहा है ऋषिकेश में, रिवर राफ्टिंग और माउंटेनिंग करेगा वहाँ पर जाके, यही करेगा यहाँ पर। देखिए भाई साहब, क्या चल रहा है ये, समझ नहीं आ रहा यार। डिस्प्ले में B7 कहीं पे और था, और जो है यहाँ पे कोच कहीं पे और लग गई। ट्रेन में इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी, 11:30 खाना खा रहे हैं, कैसा लग रहा है जी? 11:30 खाना क्या है भाई? मेरा किधर? भिंडी खाओ ना, भिंडी फ्राई। मेरा किधर है भाई, कौन किसका है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस खाते जाओ भिंडी फ्राई। ये क्या है, परवल, आलू, आलू फ्राई, और ये पराठा। तो भाई लोग, गुड मॉर्निंग। और अभी जो है वो ट्रेन जो है वो 3 मिनट बिफोर चलने लगी है। रात का क्या हाल था, कितनी ट्रेन डिले पहुंची थी। और ये देखिए अभी तक सोया हुआ है, और इधर एक और है हमारा जो है दोस्त कहिए या दुश्मन कहिए, जो भी कहिए, इधर है। और आरफिन भाई इधर है, ये तो एकदम मस्त फ्रेश फ्रेश होके, हम लोग तो कोई भी जो है ब्रश वगैरह नहीं किए। और रात में बहुत ही कचरा हो गया था ट्रेन में, 1-2 घंटा तक हम लोग को मतलब यहाँ पे सीट नहीं मिली थी, एग्जाम्स वगैरह थे BPSC के, इसी वजह से। और आरा और बक्सर के जो पैसेंजर हैं वहाँ के जो कैंडिडेट, इंटरव्यू देने जा रहा है इब्राहिम, दिल्ली में इसका इंटरव्यू है। तो यार मैंने BPSC का एग्जाम को छोड़ के BCS का ट्रिप को ऑफ किया। तुम छोड़ दिए थे? अरे आपका एग्जाम तो आप, मेरा एग्जाम नहीं था भाई। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, 24 किलोमीटर बाकी है। और अभी पता नहीं कहाँ ट्रेन रुकी हुई थी, आउटर पे गाजियाबाद के आसपास शायद, ये जग चुका है आरफिन। कैफ अभी अंदर ही है बर्थ पे, और हम लोग थोड़ा सा अभी बाहर आए थे फ्रेश हवा लेने, बहुत देर से अंदर जो है AC में बैठे हुए, ये बोर हो गया था, अजीब सा लग रहा था। आ चुका है हमारा, इसका निक नेम है, कुछ हम लोग बताएंगे आपको दिल्ली में जाके, बहुत ही अच्छा निक नेम इसका रखे हुए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। एक लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, और उसका हम लोग बाद में देखेंगे। अरे चलो उतरना है, अब कहाँ जाओगे? आनंद विहार आ गया। हाँ दिल्ली बोले थे, दिल्ली ले जा रहे आनंद विहार। आरफिन भाई चलिए, चलो उतरो यार, सब लोग उतर रहे हैं तो हम लोग बैठे। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद विहार, और यहाँ पे हम लोग मेट्रो स्टेशन ढूंढ रहे हैं, जो शायद इससे कनेक्टेड है या नहीं पता नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर कितना है ये? प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जो है हम लोग की ट्रेन लगी है, और हम लोग तो 7 में है, हम और कैब, वो दोनों पता नहीं कहाँ चल गया, किस बात की हड़बड़ी है। तो ये है आनंद विहार टर्मिनल, और इसके नीचे ही सबवे है, वहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन पे कनेक्टेड मिल जाएगा रास्ता। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गर्मी है, वहाँ से
पटना से बहुत ज़्यादा गर्मी है। जून जुलाई के महीने में जैसी गर्मी रहती है उस तरह की गर्मी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मूड में है हमारे आरफिन भाई और वो दोनों आराम से जो है अपना मस्ती में चल रहा है और वहाँ से जो है पूरा इस तरह से घूमते हुए हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं। तो यहाँ पे है अपना मेट्रो स्टेशन, तो चलते अंदर, टिकट वगैरह लेना है और मास्क है ज़रूरी अभी भी, तो मैंने मास्क लगा लिया है। वो लोग आगे है, देखते हैं कहाँ पे शायद टिकट वगैरह करा रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं, दिल्ली का सब्जी बाग जामिया नगर इब्राहिम। कैसा लग रहा है, भूख लग रही है? बहुत ज़्यादा। बिरयानी खाने का प्लानिंग हो रहा है यहाँ पे। देखिए कहाँ चलते हैं हम लोग, यही लेके जा रहा है इब्राहिम हम लोग को। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रोड साइड में दुकानें हैं जहाँ पे बहुत क्रॉकरी वगैरह और जो भी है यहाँ पे सब्जी बाग की तरह आप लोग कह सकते हैं एकदम यहाँ पे है। भाई जितना का खाए नहीं उतना का तो सब निकल गया। 3-4 किलोमीटर पैदल चलवा दिए तुम हमको, अभी पता नहीं ऊपर कितना दूर ऊपर ले जा रहे हो। अरे देखिए दो दो बैग लेके आरफिन भाई को देश निकाला मिल गया। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पता नहीं कहाँ पे, लेकिन जामिया नगर में है। तो अभी हम लोग यहाँ से तंग गलियों से होते हुए निकल रहे हैं ढलान की तरफ, बाटला हाउस। बाटला हाउस ढलान की तरफ और जाकिर नगर, सॉरी भाई इधर हम लोग नए हैं इसलिए, तो भाई जाकिर नगर ढलान की तरफ कैब बुक किए हैं। कैब आ रहा है अभी, उसी का वेट हो रहा है। उस साइड से आएगा पीछे की तरफ से और इस साइड शायद जाना है संगम विहार टिगड़ी के पास जो है, और फिर वहाँ से थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे। वहाँ भी खाना वाना बना हुआ है और रेडी हम लोग यहाँ पे खा चुके हैं 1-2 बजे के आसपास जो हम लोग खाए थे। बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी स्टेशन के पास, आनंद विहार के पास कुछ भी नहीं मिला हम लोग को खाने के लिए बढ़िया था। और यहाँ से हम लोग निकलते हैं फिर देखते हैं वहाँ पहुँच के। भाई पूरी हालत ख़राब है हम लोग दोनों की, और जितना ज़्यादा हालत है हम लोग को पटना से दिल्ली आने में नहीं हुआ, उतना ज़्यादा जो है आनंद विहार से जाकिर नगर आने में हो गया। बहुत ही रास्ता ख़राब है यहाँ का, इससे अच्छा तो अपना खगौल या जो भी पटना है वो बहुत अच्छा है इससे अच्छा। और अभी यहाँ से कैब में बैठ चुके हैं हम लोग, अब निकल रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट डे जो हम लोग निकलेंगे कल की सुबह वो उत्तराखंड के लिए, और आरफिन यहीं रह गया है जाकिर नगर में और इब्राहिम भी यहीं रह गया है यहाँ पर जो फ्लैट है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आप लोगों से आगे। झूला झूलते हुए हम लोग जा रहे हैं सोनू गया के। इससे अच्छा तो हम लोग का पटना है, इससे अच्छा भाई हम लोग का पटना है कहीं ज़्यादा अच्छा। ट्रैफिक के मामले में भी, पॉल्यूशन के मामले में भी, हर मामले में। तो गाइस फाइनली उठा पटक करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं सोनू गया के घर, और शायद यही गली है। हम लोग बहुत दिन के बाद आ रहे हैं, 4-5 साल के बाद, तो यहाँ का जो है नक्शा चेंज हो चुका है गली का। यह हो सकता है ये गली नहीं भी हो ये गली नहीं भी हो ये गली लोकेशन में दूसरे जगह का।